दोस्तों मेरे चैनल भारत टायर वर्कशॉप में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक स्कूटर जो आता है उसका टायर चेंजिंग कैसे करें और उसका पंचर कैसे बनाएं। दोस्तों इसका टायर खोलना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसका वायर जुड़ा रहता है और रिंग हफ्सर भी लगा रहता है। दोस्तों इसलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसको तो कैसे इसको बदले। दोस्तों इसको बहुत आराम से खोलना चाहिए जिससे इसका ब्रेक कर ले। भारी होता है क्योंकि मैग्नेट वाला जो भाग है मैग्नेट और रिंग जुड़ा रहता है। देखिए मैंने इसको रिंग पर रख के इसको ऊंचा कर लिया है इससे वायर जो है टूटने का डर नहीं है और रिंग ऊपर हो गया है। टायर था लेकिन टायर खराब हो गया जला गया है तो टायरिंग से बाहर आ चुका है। इसका ये भी है टायर को लगाने से पहले मैं इनको साफ करूँगा भी कचरा लगा रहेगा रिंग पर वो साफ हो जाएगा जिससे कि नया टायर फिट अगर करते हैं तो दिखने से नए का डर हो जाता है। रिंग को साफ करने के बाद रिंग के ऊपर थोड़ा सा हम पेंटिंग कर देंगे। नलकी लगाने से पहले नलकी के ऊपर दोस्तों इंसुलेशन लगा लेना सफेद वाला जिससे कि आराम से बिल्कुल आराम से अंदर चला जाता है इतने का डर नहीं रहता है। मैंने इसको लगा रखा है और टायर को फिटिंग करता हूँ। टायर फिट करने से पहले उसको उसके ऊपर जो ईद का निशान दिया रहता है उसको देख कर लगाना चाहिए। इलेक्ट्रिक बाइक का टायर खोलना और बांधना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे नट को खोलने पड़ते हैं। टायर को बहुत हल्के हल्के से और बिल्कुल नहीं करना है लगाने में अगर टायर का बीट कटा तो फिर टायर भी खराब हो सकता है। ट्यूबलेस टायर हवा लेने से भी और चेक करना पड़ेगा उसको बिल्कुल आराम से लगाना फिटिंग करना है। ठीक है दिखाई दिख रहा है
डिलीवरी से डबल रह गया टाइट होता है। ट्यूबलेस टायर की फिटिंग करते वक्त चार बहुत सारे मेटीरियल खोलने पड़ते हैं।